धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूँगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ के गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल साफ मन वाले सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें, हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है, वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया,
तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए, हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयां भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना, तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर के अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो, बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है, एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बैग कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। आचार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया, मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाई जान। लगता है ये काम कालू कौवे का है, एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या, मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपने बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है
और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। बंटी अमीर चिड़िया बबली मैडम के घर में इम्पोर्टेड फ्रिज रिपेयर कर रहा था, तब उसकी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग जाती है। बंटी, तुमने मेरी 2,00,000 की इम्पोर्टेड फ्रिज खराब कर दिए, मुझे 2,00,000 का हर्जाना तुम्हें देना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बादल नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी मैकेनिक था और पीलू खिचड़ी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और बर्तन में ही खिचड़ी पकाती थी, जिससे उसे खिचड़ी बनाने में बहुत समय लगता था। वो खिचड़ी को टमाटर की चटनी के साथ बेचा करती थी। उसकी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। गरीब हो या अमीर, सभी उसके यहाँ से खिचड़ी खाते थे। लेकिन जब वो देखते थे कि पीलू ज्यादा टाइम लगा रही है, तो वो लोग वहाँ से चले भी जाते थे। इस वजह से पीलू की आमदनी बहुत कम होती थी। उसी की दुकान के सामने कालू कौवा भी खिचड़ी बेचा करता था। उसकी खिचड़ी बहुत ही बेस्वाद होती थी, लेकिन उसके पास महंगा कुकर होने के कारण वो ज्यादा खिचड़ी बना लेता था, तो ग्राहक मजबूरी में उसकी खिचड़ी खा लेते थे। एक दिन बंटी अमीर चिड़िया बबली मैडम के घर में इम्पोर्टेड फ्रिज रिपेयर कर रहा था, तब उसकी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग जाती है। बंटी, तुमने मेरी 2,00,000 की इम्पोर्टेड फ्रिज खराब कर दिए, मुझे 2,00,000 का हर्जाना तुम्हें देना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हें मुझे 2,00,000 तो देने ही होंगे। अगर नहीं दोगे तो सरपंच कड़क से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दुखी होकर बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरी दुकान भी बड़ी मुश्किल से चलती है, घर का खर्च भी हम जैसे तैसे निकाल पाते हैं, अब तो ऊपर से और ये 2,00,000 का नुकसान कैसे भरपाई करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, खड़क से बहुत ही खतरनाक है, अगर उन तक बात पहुंच गई तो हमारी खैर नहीं। मैं पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूंगा, टिल्लू से कुछ रुपए उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए टिल्लू के पास चले जाते हैं। टिल्लू, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ मैकेनिक का काम कर दिया करूंगा। क्या बात कर रहे हो बबलू भाई, क्या मैं तुमसे उधार के बदले में काम लूंगा? लेकिन तुम्हें उधार की जरूरत कैसे आ पहुंची? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टिल्लू भैया, बबली मैडम को 2,00,000 रुपए देने होंगे, अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो वो खड़क सेठ को बता देंगी और हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ टिल्लू, हमारी थोड़ी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूंगा। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे पीलू भाभी, आपका खिचड़ी का काम कैसा चल रहा है? मेरे पास कुकर नहीं है भैया, कालू के पास कुकर है तो वो बहुत ज्यादा खिचड़ी बना लेता है, मैं अकेले ज्यादा नहीं बना पाती हूँ तो बहुत कम आमदनी होती है। अरे बंटी भाई, तुम इतने होनहार मैकेनिक हो, तुम पीलू भाभी के लिए कुकर मशीन क्यों नहीं बनाते थे, जिसे ये ज्यादा क्वालिटी में और तेजी से खिचड़ी बना सकेगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा।
अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। टिल्लू भाई तुमने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं लकड़ी का कुकर मशीन बनाऊंगा। आखिर गरीबों के पास भी तो कुकर होना चाहिए। फिर थोड़े ही दिनों के बाद बंटी टिल्लू के लिए लकड़ी का कुकर मशीन बनाकर तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर खिचड़ी बनाने लगते हैं। एक दिन बबली मैडम उनकी दुकान में आती है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब कुकर मशीन बनाई है। ऐसी लकड़ी की कुकर मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जरा मुझे अपनी खिचड़ी तो खिलाओ। खिचड़ी खाकर बबली बहुत खुश होती है। इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। बबली मैडम जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 25,000 रुपए, बाकी हम जल्दी ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बनी रहती है। एक दिन जाबाज इनकी दुकान पर आता है और कहता है, अरे बंटी भाई, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे पूरे घर के लिए खिचड़ी देना। हाँ हाँ, बबली मैडम भी तारीफ करके गई है। इसमें जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। एक काम करो, मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का कुकर बना दो ना। उनकी दुकान चलती देख कर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो जोर जोर से चलने लगी है, मुझे इनकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये लकड़ी की कुकर मशीन में तोड़ कर रख दूंगा, उसके बाद ये लोग बबली मैडम का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर कड़क सेठ इनकी धुलाई कर देगा, इन्हें तो जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी रात कालू एक हथौड़ा लेकर पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन में अपना हथौड़ा चलाता है, लेकिन प्रेशर के कारण लकड़ी का कुकर ब्लास्ट हो जाता है और कालू जोर से चीख उठता है। उस पर गरम खिचड़ी गिर जाती है। नींद से उठकर पीलू चिल्लाती है, चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को पीटने लगते हैं। मारो मारो, अरे ये तो कालू है। कालू तू तो हमारे घर में इस वक्त ये हथौड़ा इसे इस मशीन को तोड़ने के लिए आया था क्या? अरे मुझे इस गरम खिचड़ी से तो बचाओ, मैं जल रहा हूँ। बंटी और पीलू उस पर एक बाल्टी पानी डालते हैं। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी कुकर मशीन तोड़ने वाला था, क्योंकि तुम्हारी तरक्की से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। तुम गरीबों को बढ़ता हुआ देखकर मैं खुश नहीं था। अब तो मैं काम करने लायक भी नहीं रहा। अपनी मेहनत पे आपको भरोसा होता कालू भैया तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती। तुम्हारी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम अब किसी की दुकान में काम कर लो, लेकिन अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कालू बंटी और पीलू का कहना मान लेता है और अपनी गलती से सीखता है। कालू अब से पूरी ईमानदारी से काम करता है। बंटी एक और लकड़ी का कुकर मशीन बना लेता है। उसके बाद से बंटी और पीलू की खिचड़ी बनाने की दुकान से बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो लोग बबली मैडम का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। मुझे क्या उल्लू समझे थे, हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जाए इस खटारा में। कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियां आ रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हरिया बोलता है, चलो हम मनाली चले। तो कालू कहता है, मनाली क्यों जाना है, कुछ बड़ा सोचो। हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा। मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है, रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे। ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी। अगले दिन कालू उनके सामने
अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल दो और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर, चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे, चलो अब मजे करेंगे मनाली में। इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, 3 स्कूटर है ना, वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जाए इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। बेटा तू कहीं नौकरी कर, तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं, मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है, लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है, पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है, लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए, नालायक, अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उटपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं।